मैंने कभी कल्पना करी थी? पाए हम लोगों को क्या बताया गया कि सिर्फ सर्कल या गोले से जुड़ी हुई चीज़ है ना, पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर, चाहे एरिया हो चाहे क्यूब हो, सब ऐसे। कभी मैंने जब पहली बार, ये कहानी 150 साल पुरानी है, कल्पना नहीं करनी, इसको तो आप कर सकते हैं, ज़मीन पर पैरेलल लाइंस बना लीजिए, समानांतर रेखाएं, कितनी लंबी, जितनी माचिस की तीली, उतनी दूरी दूरी पर रेखाएं बना लीजिए। अच्छा, ऊपर से क्या करिए, माचिस की तीलियां डालना चालू कर दीजिए रैंडमली, ऐसे नहीं कैसे भी, रैंडम। और आप क्या पाएंगे, कुछ तीलियां लाइनों को छू रही हैं और कुछ दोनों लाइनों के बीच में आ जाएंगी, वो कोई भी पार्ट को टच नहीं करेंगी। एंड नाउ इफ यू काउंट, अगर आप ये गिनेंगे कि कितनी तीलियां लाइन को छू रही हैं और कितनी किसी भी लाइन को नहीं छू रही हैं, उन दोनों का अनुपात पाई है, इनफैक्ट टू पाई बाय टू। कभी सोचा, जब मैंने ये सोचा, ये कहानी पढ़ी, 200 साल पुरानी कहानी है, किसी फ्रेंच, एक फ्रेंच था बुफॉन, कल्पना करिए ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि पाई लाइनों में भी होता है, ये तीलियां गिरा दीजिए और काउंट कर लीजिए रेशियो, वो पाई है। क्यों नहीं होता है हमारी क्लास में या हमारे पाठ्यक्रम में? बिल्कुल होना चाहिए। पांचवी में जब हम पाई की चर्चा करें तो यहाँ से चालू करें, गोले में तो होता ही है लेकिन सीधी लाइनों में भी होता है। 29 नहीं गिराएंगे, ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। जितनी ज़्यादा तीलियाँ गिराएंगे, पाई इज़ अ ट्रांसेंडेंटल नंबर, मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी आप लिख ही नहीं सकते, है ही नहीं कोई, जितना आगे तक लिखते रहेंगे उतनी आगे तक जाती रहेगी, इसका मतलब जितनी तीलियां गिराएंगे उतना पाई के नज़दीक आते रहेंगे।